हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन ऐसी करंट अफेयर की मैगजीन कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए साइंस एंड टेक का पार्ट 3 लेकर आए हैं। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करते हैं इसके पहले टॉपिक से जो कहता है पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया न्यूज़ में क्यों रहा समझते हैं। देखिए हुआ क्या है कि रिसेंटली नीति आयोग ने एक वाइट पेपर रिलीज करा है जो कि पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया 2035 को लेके है। और ये किस लिए रिलीज करा गया है, क्योंकि हमारा इशू हम काफ़ी फेस कर रहे हैं सर्विलांस में इस कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे। अब जानते हैं न्यूज़ के बारे में और कुछ बातें। देखिए जो डॉक्यूमेंट रिलीज करा गया है इसके अंदर पब्लिक हेल्थ सर्विलांस सिस्टम के बारे में चीज़ें हैं जो दैट इज प्रिडिक्टिव रिस्पॉन्सिव इंटीग्रेटेड एंड टीयर्ड। इसका एम क्या है कि हम इंडिया को इतना सशक्त बनाएंगे, कैपेबल बनाएंगे कि हम यहाँ पे हम रीजनल और ग्लोबल लीडरशिप दे सकें मैनेज करने में इवेंट्स जो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को लेके होते हैं इंटरनेशनल कंसर्न के, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे मैनेज कर सकें। अब ज़रूरत क्या है बच्चों पब्लिक हेल्थ सर्विलांस सिस्टम की। देखिए पहली चीज़ तो यही ज़रूरत है कि हम पहले से प्रिडिक्ट या पहले से फोरकास्ट कर सकते हैं या प्रिपेयर रह सकते हैं अगर कोई एपिडेमिक आता है। पेंडेमिक देखिए हर जगह आता है, एपिडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया में कोई ऐसी चीज़ें आ जाए जैसे कि कम्युनिकेबल या इमर्जिंग एपिडेमिक्स होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के भी होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ के भी होते हैं जैसे कि MDR TB हो गया, नीपा आउटब्रेक हो जाता है। तो ये सब हम पहले से प्रिडिक्ट कर लें और यहाँ पर फोरकास्ट कर दें। दूसरा कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजीज वगैरह कैसे बना सकते हैं। देखिए कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं न्यू या हिडन रिजर्वॉयर्स जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं इन्फेक्शन के या ब्लॉक चेन है जो फटाफट से ट्रांसमिशन होता है, या हम ये जो भाई डिसेबिलिटी है डेथ है उसको कैसे रोक सकते हैं। साथ में रिस्पोंडिंग टू आउटब्रेक, जो फटाफट से आउटब्रेक हो जाता है, या हम भाई फ्यूचर प्रोग्राम कैसे डिजीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्विलांस हम करके रखते हैं तो इससे क्या होता है कि हम ऐसे स्टैंडर्ड बनाते हैं प्रोटोकॉल के जिससे हम फटाफट से मेडिकल डेटा रियल टाइम में हमारे पास होगा तो हम कुछ ऐसे टूल्स का यूज़ करेंगे जिससे हम जगह पता लगाएं जहाँ पे भी ऐसे आउटब्रेक्स हो रहे हैं और वहाँ पे रोकने की कोशिश करें। साथ में जो इंपॉर्टेंस है इन सारे रोल्स की हेल्थ सेटअप में वो भी इनको काफ़ी ज़रूरी बना देती है, खासकर आजकल के टाइम पे रिसेंट टाइम में तो इन्होंने काफ़ी ज़रूरी बना दिया। जैसे कि न्यू कम्युनिकेबल डिजीजेस फिर से रीइमर्ज हो रहे हैं, कई सारे नए इन्फेक्शन निकल के आए हैं, पैथोजेंस डिजीजेस वगैरह फिर से रीइमर्ज हो रहे हैं, है ना। तो ये सारी है कुछ म्यूटेशन हो रहा है इनके बीच में। अब म्यूटेशन क्या होता है समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई एक वायरस पहले से था, अब बाहर से सपोज़ करिए कि कोई और एक वायरस आ गया तो आपस में मिलके हो सकता है कोई तीसरा इस तरह का वायरस बना दे जो एकदम ही अलग तरह का हो। मान लीजिए सपोज़ करिए कि आपकी बॉडी में जो वायरस था वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होता है, बाहर से जो आया वो भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होता है, लेकिन जो इन लोगों ने मिलकर म्यूटेट करके बनाया ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है, तो ऐसा कुछ कह सकते हो। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का रेट काफ़ी बढ़ रहा है, जैसे कि अक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन। एग्जाम्पल बताते हैं, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डेटा है वो सजेस्ट करता है कि 61% जो मौतें होती हैं, 55% डिसेबिलिटी हुई हैं लाइफ ईयर्स की, ये NDC द्वारा कॉज हुई हैं 2016 में। ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद भाई कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात हो रही है, ठीक है, उससे हुई। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, देखिए एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बढ़ती जा रही है रिसेंट टाइम में, जिसकी वजह से माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने किसी को दवाई दी और अब वो दवाई जो उसके अंदर वायरस है उस पर असर ही नहीं कर रही है, वो रेजिस्ट हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि यहाँ पे दवाइयों का इन भाई ड्रग्स वगैरह की इनफिकेसी हो जाती है, कैसे ही काम आएगा। और इससे क्या होता है डिजीजेज जैसे कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB वगैरह डेवलप हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से ये जो आपका हेल्थ सेटअप है इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि अभी करंट क्या चल रहा है, करंट पब्लिक हेल्थ सर्विलांस फ्रेमवर्क इंडिया में बताऊं आपको। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट,
ठीक है, ये आपका नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर है, जिसमें आपका प्राइमरी सेंटर्स हैं सर्विलांस के लिए इंडिया के अंदर। और 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO ने पार्टनरशिप करी थी हमारे यहाँ के देश की सरकार के साथ में, और एक लॉन्च किया था इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को विद इन द IDSP मतलब इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट प्रोग्राम के अंदर। ये जो आपका इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, ये एक डिजिटल वेब बेस्ड ओपन प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे क्या करता है, इंडिविजुअल का डेटा लेता है, ऑलमोस्ट रियल टाइम डेटा लेता है, और ये वीकली और मंथली रिपोर्ट निकालता है कि कैसा एपिडेमिक आउटब्रेक रहा है, अर्ली वार्निंग साइंस दिखाता है, साथ में रिस्पॉन्स वगैरह कैप्चर करता है, रिस्पॉन्स कैसे बाय रैपिड रिस्पॉन्स टीम फॉर 33+ डिजीज कंडीशन, 33 से ज़्यादा डिजीज कंडीशन के लिए ऐसे काम करता है। अब देखिए, ये जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट है, इसके साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी काफ़ी अच्छा अपना रोल निभाया है सर्विलांस करने में, रिसर्च करने में, जो भी आपका रिसर्च रिलेटेड हो सर्विलांस होती है, बहुत सारे नेटवर्क के करने की 130+ लेबोरेटरीज में इसने अच्छा खासा देखा है। एग्जाम्पल बताऊँ, जो SARS का एपिडेमिक था, निपा का है, रोटा वायरस का है, और ये सारी चीज़ों का है, ये डिटेक्ट कर लिया गया है वायरल रिसर्च और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी नेटवर्क जो कि ICMR का है, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का है, उसके द्वारा, और बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल भी करा गया है। साथ में अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम की बात करें तो सिस्टम जो है इसे डेवलप करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, और ये माना जा रहा है कि ये जो डिजीज़ का आउटब्रेक है हमारी कंट्री में उसे फोरकास्ट कर लेगा पहले से ही। अब इन रिलेशनशिप पे बेस करके क्योंकि वेदर चेंज का चेंज होना और डिजीजेस का होना, तो सिस्टम पहले से ही पता लगा देता है कि किस तरीके से आउटब्रेक हो सकता है किस डिजीज़ का, पर्टिकुलरली मलेरिया और डायरिया का। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए भी है। अब बात आती है मेन, तो मुद्दा यहाँ आता है कि इशूज़ क्या हैं अभी के सर्विलांस सिस्टम में इंडिया के अंदर। देखिए, सर्विलांस कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, मतलब आप समझिए कि जो IHIP मैंने आपको बताया था, IHIP जो मैंने आपको बताया था, यही अभी तक सही तरीके से नहीं हो पाया। भाई IHIP का फुल फॉर्म क्या था, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, तो यही ऑपरेशनल नहीं हुआ है कंट्री के अंदर। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं है आउटब्रेक की इन्वेस्टिगेशन में, रिपोर्टिंग अच्छी नहीं होती है, जियोग्राफिक कवरेज बहुत कम है स्टेट्स के अंदर। दूसरी दिक्कत है सर्विलांस फंक्शंस इन वर्टिकल सिलोज ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो स्ट्रक्चर हैं उनकी काफ़ी कम एबिलिटी है कि वो काम करें रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। एग्जाम्पल बताएं, यहाँ पे कोई भी डेटा इंटरेक्शन नहीं होता है IDSP और ICMR के डेटा के बीच में, तो भाई डेटा तो डालो ना, सिलोज मतलब जगह इकट्ठा होता जा रहा है। तीसरा है प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो कि सर्विलांस में वो बहुत कम है। चौथी वजह है कि लिंक नहीं है मॉर्बिडिटी का विद द मोर्टैलिटी डेटा, कि मतलब कि कौन मर गया और किस डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा था, इन सब डेटा का यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, ये लिंक नहीं है। साथ में डिजिटल सोशल या प्रिंट मीडिया का सर्विलांस में लिमिटेड यूज़ होता है ना, कि ये सारे जो मीडिया सोर्सेज हैं इनको यूज़ करा जा सकता है ना डिजीज़ को प्रिवेंट करने में, लोगों को बताने में। उसके साथ फोकस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ सर्विलांस पे काफ़ी कम है, लिमिटेड है, समझ रहे हैं, जैसे आपका डायबिटीज़, आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मतलब हार्ट वगैरह के, कैंसर वगैरह, लेकिन मतलब इन सब में ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। पोल्यूशन वगैरह से भी काफ़ी अफेक्ट होता है ना, लोगों को सांस की बीमारियां होती हैं, और कुछ दूसरे इश्यूज भी हैं जैसे कि इनकंसिस्टेंट रिक्रूटमेंट है ह्यूमन रिसोर्स का स्टेट में, रिक्रूटमेंट ही नहीं होते डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट में बहुत सारे, यहाँ पर एक्सपर्ट की कमी है, ट्रेनिंग वगैरह की कमी है हेल्थ सर्विलांस में, तो ये सब बात है। खैर, रिकमेंडेशंस क्या दी गई हैं इस आपकी ये डॉक्यूमेंट के द्वारा, देखिए इन्होंने इस डॉक्यूमेंट ने चार की पिलर्स को हर सर्विलांस हेल्थ सर्विलांस के लिए यहाँ पे सजेस्ट किया है। पहला कहा है इन्होंने, डेवलपिंग अ
गवर्नेंस इकोसिस्टम फॉर सर्वेलेंस, ठीक है, आप एक गवर्नेंस इकोसिस्टम सर्वेलेंस के लिए डेवलप करिए। दूसरा, आप डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करिए। तीसरा, आप डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करिए। और आखिरी में आप फोकस करिए डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एक्शन पे। तो ये सारे पिलर्स आप करोगे तो ये रिकमेंडेशन कुछ ये जो रिकमेंडेशन दी गई हैं इन्हें दी गई है इन सारे पिलर्स को इनेबल करने के लिए। क्या है, क्या दी गया है इस रिपोर्ट के द्वारा, समझते हैं। पहला तो ये है कि आप डेटा शेयरिंग, उसका एनालिसिस, उसका डिसमिनेशन और उसका यूज़ फॉर एक्शन, ये आप स्ट्रीमलाइन करो। कैसे, आप इसको एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाओ जिसके पास इसका जो है वो यूनिक हेल्थ आइडेंटिफायर हो और ये प्राइमरी सोर्स हो डेटा का, ठीक है। उसके बाद अलाइन विद आयुष्मान भारत, इसको आयुष्मान भारत के साथ जो है वो अलाइन करो, ठीक है। हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स प्रेजेंट अ यूनिक अपॉर्चुनिटी ना, ये हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स जो आज की डेट में है भाई, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कम्युनिटी बेस्ड सर्वेलांस हो सकता है प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे, है ना। तो ये सारा का सारा डेटा होगा इनके पास में। उसके बाद प्लांट, एनिमल और इन्वायरमेंट सर्वेलांस को एक वन हेल्थ अप्रोच में आप लेकर आओ। उसके साथ आप जो प्रोफाइल है पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस की, उसे आप और उठाओ, ठीक है। तो भाई यही एक हो जाए हेल्थ सिस्टम यहाँ पे ही अवेलेबल हो। और आप मजबूत बनाओ एक इंडिपेंडेंट हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट को, यहाँ पे मजबूत बनाओ। तो इससे क्या होगा, काफ़ी अच्छा रोल होगा, कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, कोलिजन करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस और उसके साथ रिलेटेड एक्शंस को। उसके बाद आप स्कोप देखो सर्वेलेंस का, है ना, कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में देखो क्या स्कोप है डिजीजेस के, कंडीशंस की। ये कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस डिजीज के साथ साथ स्कोप अब आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ इश्यूज जैसे कि सिली कॉसेस होते हैं, हेल्थ आपका जो इन्वायरमेंटल हेल्थ सर्वेलेंस है जैसे इश्यूज पोल्यूशन वगैरह की, वो सब डील करें। उसके बाद आप WHO को यूज़ कर सकते हो ना, स्टेप वाइज अप्रोच को यूज़ कर सकते हो ताकि आप NCD सर्वेलेंस कर सको। मतलब NCD का मतलब होता है बच्चों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। अब आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आप मजबूत बना सकते हो लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, आपका रेफरल नेटवर्क हो, कम्युनिटी बेस्ड सर्वेलेंस हो, जिससे हमारे पास अच्छे से डिजीज़ का हम सर्वेलेंस कर सकें और उसको हम रोक सकें। तो ये आप कर सकते हैं, ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो बोलता है वो बोलता है भाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों रहा जानते हैं। सबसे पहले देखिए, ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट ने रिलीज़ करा, ये है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसने एस्टिमेट करा है कि सारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो एक साथ अगर बात करें तो 74% पूरी डेथ जो पूरे ग्लोबली हुई है 2019 में, तो वो किस वजह से हुई है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से हुई है, समझिए 74% डेथ। अब न्यूज़ के बारे में और थोड़ी बात जानेंगे। देखिए WHO के जो ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट है वो क्या देता है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपेरेबल असेसमेंट देता है ना, कि मतलब एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होगा और कंपेयर कर सकते हो, ऐसा असेसमेंट देता है मोर्टैलिटी का और लॉस ऑफ हेल्थ का। क्यों, क्योंकि डिजीज़ की वजह से जो भी लोग मरते हैं या उनकी जो है इंजरीज की वजह से जो भी लोग मरते हैं, है ना, या हेल्थ उनकी ख़राब होती है सारे रीजन्स में पूरे वर्ल्ड के, तो इसका डेटा देता है ये WHO का ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट। अब इसने क्या इस बार देखा है, फाइंडिंग्स क्या रही हैं इस ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट 2019 की रिपोर्ट की। इन्होंने बताया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो सेवन ऑफ द वर्ल्ड टॉप 10 कॉजेज हैं, जो वर्ल्ड के टॉप 10 कॉजेज होते हैं मौत के, उसमें से जो 7 स्टार्टिंग के हैं वो यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल हैं, ठीक है। पहले ये 4 थे, अब ये 7 हो गए, ठीक है, 2000 के बाद से। अब जो न्यू डेटा है वो पीरियड 2000 से लेके 2019 तक का कवर करता है। हार्ट डिजीज जो इस समय है वो 16% और टोटल डेथ लेते हैं, और इसी वजह है, देखा नहीं है सब हर इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। लाइफ स्पैन काफ़ी बड़ा है ओवर द ईयर्स, है ना, ग्लोबल एवरेज जो है वो 73 ईयर्स से ज़्यादा है 2019 में, और ये 2000 में 67 हुआ करता था, तो ये अच्छा हुआ है। खैर, आपको बताना चाहूँगी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं। देखिए ये जो है ये एक मेडिकल कंडीशन है या ऐसे डिजीज़ हैं जो किसी इन्फेक्शन की वजह से बच्चों नहीं होते, है ना, ये क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, जनरली बहुत ही धीमे धीमे आपके शरीर में बढ़ते हैं लेकिन ये हमेशा फिर रहेंगे। कुछ आपको बताऊँ, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का आना, कैंसर या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ जैसे कि आपका COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या अस्थमा वगैरह, या आपका
क्रॉनिक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, अल्जाइमर वगैरह या डिमेंशियस वगैरह, डायबिटीज़ वगैरह, ये सब हमेशा रहते हैं। खैर, क्या फैक्टर्स हैं जो आपका इन NCDs को इन्फ्लुएंस करते हैं? पहला तो जेनेटिक फैक्टर होता है, मतलब आपके किसी पहले किसी को हुआ है, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर, मेंटल हेल्थ या एस्मा, तो आपको भी होगा। दूसरा हो सकता है, होगा ही नहीं, मतलब हो सकता है कि आपको हो। दूसरा होता है बिहेवियर फैक्टर्स। अब आप मान लीजिए अनहेल्दी डाइट लेते हैं, है ना, आप फ्रूट वेजिटेबल नहीं खाते, आप होल ग्रेन्स नहीं खाते, है ना, सॉल्ट वगैरह, फैट वगैरह बहुत खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, स्मोक करते हैं, तो भाई ये सब दिक्कत हो सकती है। हार्मफुल हो सकता है अल्कोहल अगर आप यूज़ करते हैं, तो शराब पीते हैं ज़्यादा। या तीसरा, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। मान लीजिए आप गरीब हैं, ठीक है, गरीब हैं, तो 30% जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की से डेथ होती है वो लो इनकम कंट्रीज़ में होती है, और 60 साल से कम उम्र के लोगों के अंदर ये होता है, तो ये गरीबी वाला कारण है। उसके बाद है भाई अर्बनाइजेशन या अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी। देखिए, अर्बनाइजेशन जैसे जैसे होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो है वो फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कम कर देते हैं, इसकी वजह से भी कुछ दिक्कत आती है। और साथ में बच्चे वगैरह जो अनफेवरेबल सोशल कंडीशन में रहते हैं, हाउसिंग वगैरह नहीं है या पार्क वगैरह नहीं है, तो उनको भी दिक्कत होती है, ओवर वेट किया, मोटे हो जाते हैं। साथ में कल्चरल नॉर्म्स भी होते हैं, कुछ बिलीव्स नॉर्म्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो फूड में हाई होना चाहिए, एनिमल फैट होना चाहिए, ठीक है, और तभी हम खाएंगे, तो इन सब वजह से हाइपर टेंशन और मोटापा बढ़ता है। अब क्या ऐसे कदम उठाए गए हैं ग्लोबली जो है इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को जो है कंट्रोल करने के लिए? देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो काफ़ी बड़ा ग्लोबल चैलेंज है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूनाइटेड नेशन का 2030 एजेंडा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस एजेंडा के पार्ट पे जो स्टेट के हेड और सरकार वगैरह हैं, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे ऐसा कुछ नेशनल रिस्पॉन्स करेंगे 2030 तक, जिससे हम इन ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को 1/3 जो है प्री मेच्योर मोर्टैलिटी, मतलब भैया उम्र से पहले मौतें जो हो जाते हैं, उसको हम 1/3 से कम करेंगे। कैसे? हम इसका ट्रीटमेंट ला के या इसको प्रिवेंट करके। तो ये हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट 3.4 है, वो यही कहता है। साथ में WHO ने यहाँ पे डेवलप करा है एक ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCDs 2013 से 2020 तक के लिए किया था। इसमें आपका ये था, कुछ 9 तरह के ग्लोबल टारगेट्स थे जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबल NCD मोर्टैलिटी पे। तो ये टारगेट जो है ये प्रिवेंट करते, मैनेज करते NCD को। इंडिया ये पहला कंट्री रहेगा डेवलप करने के लिए, और ये सारे टारगेट्स जो होंगे वो मैनेज करेंगे NCDs को, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को। अब इंडिया देखिए ऐसी पहली कंट्री है जिसने स्पेसिफिक नेशनल टारगेट रखे हैं, इंडिकेटर्स रखे हैं, जिनका एम ये है कि हम किस तरीके से ये जो पहले से ही जो अकाल मत जो पहले से प्री मेच्योर डेथ होती है उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से जो होती हैं, इन्हें हमें 25% से कम करना है सर 2025 तक। अब देखिए क्या आखिरकार कदम उठाए हैं इंडिया के द्वारा इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कम करने के लिए। देखिए, इनको कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, जो नेशनल प्रोग्राम है फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, इसे 2010 में लॉन्च किया गया था। इसका बच्चों मेन फोकस ये था कि हम किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जो है, और हेल्थ प्रमोशन को या अर्ली डायग्नोस करके, मैनेज करके किसी तरह से चीज़ें कंट्रोल कर लें। दूसरी चीज़ आयुष्मान भारत की थी, जो हमें हेल्प करता डील करने में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को, इंजरीज को, साथ में कम्युनिकेबल डिजीजेस को भी। उसके बाद हम जो फसाई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने भी एक टैक्स और एडवर्टीजमेंट बैन लगा दिया था किसी अनहेल्दी फूड के ऊपर। इन्होंने लॉन्च किया था ईट राइट इंडिया मूवमेंट भी, कि उससे हम पब्लिक की हेल्थ को इंडिया के अंदर और ज़्यादा इम्प्रूव करें, जो भी नेगेटिव न्यूट्रिशनल ट्रेंड है उन्हें हम यहाँ पे लाइफस्टाइल ऐसी कम करें, लाइफस्टाइल डिजीज यहाँ पे उनसे लड़ सकें। और मास मीडिया कैंपेन जो लेकर आए थे हार्ट अटैक रिवाइंड वाला, ताकि हम जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस ट्रांस फैट होता है फूड सप्लाई में, उसे यहाँ पे ख़त्म कर सकें। और एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम भी आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंडोर पुअर पोल्यूशन होता, एयर पोल्यूशन होता है, उसे कम कर सके। और यही इंडोर एयर पोल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए, है ना, जो आपकी सांस की बीमारियाँ होती हैं। अब कुछ प्रोग्राम्स इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, पहला ये
है भाई नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयरमेंट, दूसरा है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तीसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एडर्ली, चौथा है नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, पांचवा है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, और उसके बाद छठा है नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, और सातवां है नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। आखिरी में वे फॉरवर्ड के बारे में बात करना चाहूँगी, तो उसमें पहला तो भाई यही आप कर सकते हो, आप देखो ध्यान रखो, मॉनिटर करते रहो कि प्रोग्रेस और ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं NCDs के। उसके बाद आप अच्छा मैनेज करो इसका, क्रिटिकली तरीके से आप मैनेज करना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जो हाई इम्पैक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट NCDs के इंटरवेंशन का, यह आप दे सकते हो कैसे, प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच से दे सकते हो, जिससे आप पहले से डिटेक्ट कर लो, टाइम से ट्रीटमेंट दे दो, ठीक है, और अर्ली टू पेशेंट रहेगा, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट को मिल जाएगा उतना जो है वो सही रहेगा, जल्दी वो बचेगा भी और एक्सपेंसिव भी थोड़ा कम हो तो उसका पैसा भी कम लगेगा। और कंट्रीज़ जिनके पास अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है, ये यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस दे सकती हैं एसेंशियल NCD इंटरवेंशंस को। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की भी ज़रूरत है, जिसमें आप सारे सेक्टर्स को, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंस हो, ट्रांसपोर्ट हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, प्लानिंग हो, दूसरे हो, इन सबको एक साथ लेकर आओ। और इससे क्या होगा कि यहाँ पे रिस्क वगैरह जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड होते हैं वो कम होंगे, और यहाँ पे इनको प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए चीज़ें प्रमोट करी जाएंगी। तो ये यहाँ पे हमारा होता है टॉपिक कंप्लीट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आईएएस, एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद दिस। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो ऑन फेसबुक, जस्ट लाइक द पेज सिर्फ आईएएस एंड वॉच दिस वीडियोज देयर, एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय मेंबरशिप एंड एंजॉय द वेरियस पर्क्स, जस्ट प्रेस द जॉइन बटन एंड एंजॉय द वेरियस पर्क्स। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।